हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षा अभियान की तरफ से अपडेट आ रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसमें डेटा एंट्री, टीचर्स वगैरह सबके लिए पोस्ट निकल के आई है। सैलरी वगैरह भी अच्छी खासी दी गई है इसमें। तो ये सब का डिटेल जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना होगा और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल देखते हैं। ये इसका PDF है जो मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, और इसका वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग को सारा डिटेल मिल जाएगा। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन पे दिया गया है रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट अंडर समग्र शिक्षा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे ऊपर में ही दे दिया गया है, ये जो रिक्वायरमेंट निकाल के आए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कोई परमानेंट जॉब के लिए नहीं है। तो हम लोग डिटेल के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपलोड एडवर्टाइजमेंट जो PDF का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग डाउनलोड होकर सामने में आ जाएगा, जहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। एड्रेस वगैरह भी मेंशन किया गया है, वेबसाइट भी दिया गया है। किस किस पोस्ट के लिए निकल के आता है वो हम लोग देख लेते हैं। रिसोर्स पर्सन स्पेशल एजुकेशन के लिए, दूसरा रिसोर्स टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए, उसके बाद रिसोर्स पर्सन एकेडमिक के लिए दिया गया है, उसके बाद MIA कोऑर्डिनेटर के लिए, उसके बाद पाँचवा दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। कैटेगरी में रखा गया है किसको किस कैटेगरी में रखा गया है वो सब यहाँ पे दिया गया है। किसमें कितना वैकेंसी है, जनरल के लिए ही ज़्यादा दिया गया है, देखिए जनरल के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स टीचर स्पेशल के लिए जो दिया गया है वो है SC के लिए, फिर OBC के लिए है, फिर जनरल के लिए ही ज़्यादा दिया गया है। सारा डिटेल आप लोगों को इस वेबसाइट से मिल जाएगा, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो देना होगा, इसका जमा करना होगा, या तो फिर सारा एप्लीकेशन जो भेजना होगा सब कुछ कंप्लीट करके, वो यहाँ पे मिल जाएगा। बायोडाटा, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो वगैरह, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसेंटली फ़ोटो, फोटोग्राफ। और इसका जो DD बनाना पड़ेगा वो DD 500 रुपये का रहेगा। फॉर ईच कैटेगरी दिया गया है, मतलब जितने भी कैटेगरी है SC ST OBC सारे के लिए बनाना होगा। किसके फेवर में बनाना होगा, वो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए ये एड्रेस जो दिया गया है, इस एड्रेस का फेवर में इसके नाम से बनाना होगा। और इसको भेजने के लिए ये एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पे भेजना होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे में पूरा डिटेल दे दिया गया है, कॉन्टैक्ट बेसिस है, सेम वही चीज़ दिया गया है जो चीज़ हम लोग ऊपर में देखे थे। नीचे में हम लोग देख लेते हैं ये सबका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। पहला जो पर्सन के लिए, रिसोर्स पर्सन स्पेशल एजुकेशन के लिए है, इसके लिए ए नंबर में पॉइंट दिया गया है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट कंप्लीट है तो घर भर सकते हैं। बी नंबर में दिया गया है BEd स्पेशल एजुकेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंट डिजेबिलिटी एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड BA BEd, ये सब भी भर सकते हैं। और में जो दिया गया है, देखिए और वाले भी बहुत दिए गए हैं, ये जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस ये वाले भी भर सकते हैं। और में फिर यहाँ पे BEd वाले जनरल के लिए वाले भी भर सकते हैं। फिर एंड दिया गया है, इसके साथ में ये भी होना चाहिए तब भर सकते हैं। उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट रहना चाहिए। एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 45 दिया गया है, 1/1/2019 के आधार से अगर कैलकुलेट करने से। हम लोग अगला पोस्ट में चलते हैं, अगला पोस्ट सॉरी इसी पोस्ट का हम लोग सैलरी भी देख लेते हैं। सैलरी क्या दिया गया है, सैलरी दिया गया है 46,863 रुपीज़ पर मंथ। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसका भी टेबल बन के आता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट के लिए है उसके लिए ये रूल फॉलो होगा और इसके आधार से मार्क मिलेगा। 15 मार्क ऑब्टेन बाय मैक्सिमम मार्क रहेगा × 15, इसके आधार से कैलकुलेट होगा और आप लोगों को मार्क मिलेगा, जिसका ज़्यादा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह से अगला वाले में हम लोग देखते हैं, अगला वाला पोस्ट आ जाता है दूसरा वाला रिसोर्स टीचर के लिए। इसके लिए भी ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मांगा गया है, और साथ ही साथ डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन DEd ये सब भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर और वाले भी हैं तब भी आप लोग भर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो देखिए 1/1/2019 के आधार से 35 हो जाना चाहिए। 41,377 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगा और उसका भी रोल दे दिया गया है। इसी तरह से सारे पोस्ट का अलग अलग से टेबल बन के, अलग अलग से सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दिया गया है। लास्ट यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर एक दिया गया है, MIS कोऑर्डिनेटर जो है इसके लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, या तो फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MSc ये भर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किस फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, यूजिंग ASP .NET PHP ये सब में कम्प्लीट होना चाहिए।
तब इसको भर सकते हैं। और इसका एज की बात करेंगे तो 18 से 37 के बीच में होना चाहिए। कैलकुलेटन डेट सेम ही है 1/1/2019 के आधार से। और सैलरी देखिए 44,247 रुपीज़ दिया गया है। और इसका भी रूल अलग से दिया गया है, टेबल 1 के आता है। ये एड्रेस नीचे में फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे में एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को अच्छी तरह से प्रिंट आउट करके भर के सारा डॉक्यूमेंट के साथ जो ऊपर में मेंशन किया गया है मैंने दिखा दिया, उसी के साथ इस एड्रेस पे भेजना होगा DD के साथ में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।